कई दिन पहला हुई बरसात का पानी अज भी एक पिंड के लोगों लिए जी का जंजाल बनिया होया है। लोग अपने घरों में कैद जहे होके रह गए ने अते घरों बाहर पैर रखन ते पानी ही पानी नजर आउंदा है। अजिहा ही कुछ देखण नूं मिलिया जिला फाजिलका दे विधान सभा हलका बलुआणा दे पिंड अमरपुरा च, जिथे लोग मींह दे पानी कारण अपने घरां विच कैद होके रह गए ने। जदों इस पिंड दी स्थिति दा जायजा लैण लई पिंड दा दौरा कीता गया तां हालात बेहद बदतर नजर आए। लोग पैदल जां फिर वाहनां राहीं पानी विचों लंघ रहे सन। कोई भी हादसा किसी भी समय वापर सकता है। लोकां दे मकानां दा नुकसान हो रहा है। लोकां दे खेती संद बल्द रेड़ी अते होर समान पानी विच पिया है। तस्वीरां साफ दर्शाउंदियां हन कि स्थिति कितनी माड़ी ते गंभीर है। पिंड दी महिला सरपंच दे पति नंद राम ने दस्सिया कि करीब एक हफ्ता पहला हुई बरसात दा पानी अज भी पिंड विच भरिया होया है अते पिंड दे लोक अपने घरां विच कैद हो के रह गए ने। सारे मींह का पानी है। पहला तो पानी इधर खेतों में चला जाता होंगे सीगा। जिन्ना भी मींह का पानी आता सी कदे गलियां च नहीं रुकिया। हुण लोगों ने जिहड़े खेत वाले लोग है उन्होंने बन मारता जी। ये सारा मींह का पानी इत्थे रुक जाता है। पूरा पिंड जदों भी मींह आता है इस तरह भर जाता है तो घट्टो घट्ट अपने 70-80 घर है जिन्हां दे विच पानी हमेशा खड़ा ही रहिंदा है। उन्हां दे मकान तां डिगण लग पए जी ते लोकी घरां दे विच कैद हो गए। वो बाहर नहीं निकल सकते। हुण तुसीं इत्थे देखिआ ही है भी बेचारे बुढ़ियां जां फिर कुड़ियां जां मुंडे जिहड़े पढ़न जांदे आ उन्हां नूं बड़ी दिक्कत है ते कामियां नूं तां दिक्कत हैगी है। मोटरसाइकिल नहीं लंघदा ते एक ही मेरे पिंड दी गली है। इस गली विचों हरेक ने गुजरना हुंदा है, होर कोई दूजा रास्ता नहींगा। इधर की है जिहड़ा दस रहे सीगे की है इधर सिर जिहड़ा पहला पानी इधर निकास हुंदा सी पूरे पिंड दा ते इह पानी जिहड़ा खेतां नूं निकल जांदा हुंदा सीगा ते खेतां नूं खिलर के किसी नूं कोई नुकसान नहीं सीगा। हुण उन्हां ने बन मारता इस करके पानी एक ही थां खड़ा हो जाता है तो सारे घरों के पानी इकट्ठा हो गया। प्रशासन ने नहीं कहा कि इन्हों जो पानी दी निकासी की सर प्रशासन का कहना भी असं लोगों के खेतों से थोड़ी वाड़ दी पानी। मैं पिछले जो उतों पिछला मैं आया पिछले साल उदों भी जाके आया प्रशासन को, हुण भी परसों चौथे भी जाके आया। उन्होंने यही है जी भी तुसीं अपने पंचायती लेवल पर पानी कढ़वाओ तो अगे सर पानी भी असं पक्खे लवा दईए तो पानी अगे खेतों में बहुत ज़्यादा होंदा है। उन्होंने फसल खराब होंदी है पर सानूं वो पानी नहीं कढ़न देंदे तो दसो हुण पंचायत पानी कढ़े तां कित्थे कढ़े। ये साढ़े लिए बहुत वड्डी समस्या है। ये पानी घट्टो घट्ट महीना नहीं सुकदा। पानी इस तरह समस्या रहनी एक महीने तक है तो बारिश तो हुण बारिश का मौसम है, बारिश ने तो आना ही आना है। असीं जी 2 बार पानी चुका चुके हैं, पिंड का बिल्कुल साफ कर चुके हैं पंखिया नाल। लोगों की मिन्नतां करके लोगों के खेतों में लाया पानी तो पंचायतें अपने खर्चे ते जिहड़ा सारा पानी चुकाया है। लगातार 6-6 दिन 6 रातां पक्खे लगे, पहलां लगे तो हुण भी लगे है तो हुण चलते भी पे है। प्रशासन वालों कोई सहयोग नहीं ना जी, कोई सहयोग नहीं प्रशासन वालों। जो भी जाने टाल मटोल करके सानू कढ़ देंदे ते लोगों का रोह साडी पंचायत ते है कि पंचायत कुछ नहीं करती। हुण दसो पंचायत करे तां की करे। उधर पिंड दे लोकां दा कहना कि उन्हां नूं मजबूरन इस पानी विचों लंघ के जाना पैंदा है। इस पानी करके हुण बीमारियां फैलण दा भी डर बनिया होया है। की नाम की तुहाडा जी? नाम रत्ती राम है जी। ते पिंड किहड़ा है? पिंड जी मौके का जी कंधड़ा सी सानू हो गए जी 2 साल इतने आया नूं हथा मुल लईए जी। असीं ते की इह पानी किस चीज़ दा जिहड़ा भरिया जिहड़ा पानी दे विचों आना पै रिहा ते इह पानी तां हुण जी पिंड दी इत्थे कोई किधर निकास नहीं हैगा जी छप्पर कारण ते पहले कोई इधर उधर खेतां वाले बन्ने मुन्ने टुट जांदे सी उदों निकास हो जांदा जी। हुण मौके ते कोई निकास नहीं हैगा। अज हफ्ता हो गया पानी खड़े नूं। हफ्ते विचों सारा पिंड ही विचों दी जांदा है। इस आ पिंड तक ही सारे पिंड दे जिहड़े बाहरों राही आंदे ने ओह भी सारे इत्थों ही टपदे ने। फिर के दिक्कत की है हुण किस तरह दी दिक्कत पेश आ रही है? दिक्कत हुण वेखो जी पानी दे विचों लांघा टापा हो रिहा। दिक्कत हुण गौरमेंट करे या कोई सरपंच मैंबर तो हुण जिथे ताईं ये पहुँच करते हैं ये अगे जानकारी इन्हां नूं है भी ये पिंड दा मसला हल वड्डे अफसरां नूं मिलना। हुण सानूं तां एडी जानकारी हैगी नहीं जी। ते फिर लोग घरां च ही रह गए कैद होके जिहड़े घर निकल नहीं सकदे बाहर। बाहर तां निकलदे ही नहीं जी, सारा राशन पानी लिआंदे ने कम काज ते जांदे ही ने। जिहड़ा कुछ मान लो मौके ते कम काज दिहाड़ी पेश वाला बंदा जांदा ही है, जांदा है पानी विचों ही है जी। आ पानी दी बहुत ही समस्या है जी। आ देख लिओ और वो हाल देख लियो मारो। कोई राशन ले जाना हुआ है, कोई सामान ले जाना हुआ है या बाहर निकलना हुआ है तो बहुत ही मुश्किल है जी। आज 10 दिन हो गया बारिश ने और वो पानी यहीं खड़े हुआ है क्योंकि वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी को घर बनने ला रहा है। और अब बहुत ही हमारी तकड़ी समस्या जी सारा की अठा है। कई लोगों का जी अठा घर में पानी बढ़ गया, घर बैठ गया गरीब लोगों का। हर बहुत तगड़ी समस्या है जी। इस बारे ब्लाक विकास ते पंचायती अफसर निर्मल सिंह दा की कहना आओ सुनदे हां। पानी तो हम देखो जी बरसात हुई है भी पानी पिंड का हम काफ़ी बड़ा भी है अमरपुरा पिंड तो भर गया वो छप्पड़ पंचायत निकासी करवा सकती है कोई रुकावट नहीं ना सरकार वालों ना महकमे वालों महकमे ने तो कहा ही होया भी छप्पड़ खाली करो तो पंचायत को ऑलरेडी फंड भी है आपके पंचायत का कहना है कि मतलब जो पानी निकासी है उन्होंने कोल कोई जगह नहीं है या मतलब जिथे जो खेतों में जो पहला निकासी होती सी वो जो जिमीदार उन्होंने रोक रहे हैं पानी नहीं उसे कड्ढन दे रहे हाँ जिदे करके मतलब जी सारी समस्या आई है तो मतलब ये किस तरह करेगा लोग जो बड़े सफल कर रहे हैं इस तरह के दो पिंड है अपने ब्लॉक के पक्का सीड फार्म वो भी निकासी है नहीं छप्पड़ की किसी पास तो जिमें अमरपुरा पिंड की है जो खेतों निकासी होंगे खेतों में अच कल आपको पता ही है नरमा या झोना लग चुका है तो भी जिमीदार पहले ही ऑलरेडी पानी भरया हुआ खेतों के जिमीदार नहीं कड्ढन देंगे वो इस करके प्रॉब्लम आ रही उन्हें पंचायत में महकमे की जिम्मेवारी तो बनती है थोड़ी है एक्चुअली वीडियो जो देख रेख सारी करनी है तो जिदे करके लोगों को जी बड़ी दिक्कत है लोग जो आपके घर के कैद होकर रह गए हालांकि बच्चे तक भी जो बाहर नहीं निकल सकते ये तो है जी बरसात आने तो पहला तकरीबन अपने सारे 85 से 85 पिंडों में आप छप्पड़ों के पानी की निकासी की है तो होर किसी पिंड के इन्नी समस्या नहीं हो सकता इस पंचायत ने उस टाइम पर पानी घट कढ़िया हो छप्पड़ के जिला कि हुण प्रॉब्लम आई है फिर भी जो कोई होया तो निकासी तक करवा देंगे अगे बांध बूंद जो बन ले लोगों ने तो पिंड का नीवा रह गया तो पानी की बड़ी समस्या है तो यदि निकासी वास्ते अगर जो प्रशासन साड़ी कोई मदद करे तो पानी बाहर निकल सकता है पाइप तो थोड़ी दूर है कि लोग कैद होके रह गए बिल्कुल कैद घर तो बाहर निकलनी चाहिए बुढ़िया मेरे 15 दिन हो गए घर के बैठी हैं बस ना बाहर आ सकती है ना अंदर जा सकती है ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੈਦਲ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਜਨ ਟੱਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਰਹਿਣੀ ਇਹਦਾ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪਟੇਲ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਜੈਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੁੰਬਈ ਨੰਬਰ 9854 56026 9853 19424 फोन ते घर बैठे तुरंत पाओ हर मुश्किल दा समाधान गारंटी नाल तुहाडा खोया होया प्यार वापस आ सकदा है ਵਿਆਹ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਬਣਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਫਿਲਮੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲਾਭ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ परेशान हो तो बेझिझक होकर इसनू इस्तेमाल करो सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक का इलाज कर सकता है फी रिलीफ हमेशा याद रखो बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दस्या मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो मेरे बाल जोड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने जो तुम्हें भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुम सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भूलो कितना कितनी असी अपने बालों करके शर्म फील करते हैं कि सोसाइटी बैठे कि कोई मजाक ना कर रहा है पर थैंक्स टू फ्री लीफ जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जिसे लगाने मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी तो वो भी मैं बड़ा रिलीफ मिले ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा